हेलो माय फ्रेंड्स, कसा काय। आई होप आपने मेरे जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वाले ट्रिक्स मैंने अपलोड किए थे उसको देख लिया होगा। आज मैं आपको उस ट्रिक पे बेस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, उस ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन 2023 में 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, इस तरह से मैच द कॉलम था N2O4, NO2, N2O5, N2O, और ये किस में NO N डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, NO N बॉन्ड है, NN बॉन्ड है, या फिर N डबल बॉन्ड N है, या N ट्रिपल बॉन्ड N है। तो आप देख सकते हो उस ट्रिक से बहुत इजी हो जाएगा, ये N2O4। तो यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं तो इस केस में नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन का रेशियो हो जाएगा 2/4, डैट इज 0.5, और 0.5 इज ग्रेटर इक्वल देन 0.5, डैट्स वाई इसमें NN बॉन्ड होगा। सो ए का ऑप्शन रहेगा आपका 3, यहाँ पे 3 में। नाउ नेक्स्ट NO2, तो इसमें हम अगर बात करें तो NN बॉन्ड की तो बात ही नहीं कर सकते, दो नाइट्रोजन नहीं है, तो N डबल बॉन्ड O होगा, तो B का हो जाएगा 1। नाउ N2O5, इसमें अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 2/5, डैट इज 0.4, विच इज लेस देन 0.5, तो इसमें NN बॉन्ड नहीं होगा, तो कौन सा बॉन्ड होगा, NON बॉन्ड, तो इसलिए C का हो जाएगा आपका 2। एंड N2O में डेफिनेटली आइदर NN बॉन्ड होगा या N ट्रिपल बॉन्ड N होंगे, सो डी का आंसर हो जाएगा आपका 4। तो आप देख सकते हो उस ट्रिक से कैसे इजीली हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो पूछा गया था ऑक्साइड से, दैट वाज इन 2022-28 जिनको शिफ्ट 2 में, कि इन सब में किस में NN बॉन्ड है। तो अगेन देख सकते हो कि देखो एक चीज़ और फिल करने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन पूछा फिर ये, बस क्वेश्चन को चेंज किया है, कंसेप्ट कभी भी चेंज होते हैं, कंसेप्ट आर लिमिटेड, इसलिए कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो, इसलिए मैं बोलता हूँ माला कंसेप्ट पाइजे। तो अगर N2O की बात करें तो डेफिनेटली इसमें जो नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन रेशियो है वो आपका 2 आ जाएगा, तो इसमें NN बॉन्ड होगा। N2O3 में 0.6, डैट इज ग्रेटर देन 0.5, तो इसमें भी होगा। N2O4 में 0.5 हो गया, विच इज़ ग्रेटर इक्वल, तो इसमें भी होगा। और N2O5 जिसमें नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन रेशियो 0.4 हो गया, तो इसमें नहीं होगा, तो इंटीजर टाइप में था, सो आंसर विल बी 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्साइड विदाउट NN बॉन्ड। देखो ये तीनों क्वेश्चन का सेम ही है लॉजिक, किसी में NN बॉन्ड किस में है, किस में नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देख सकते हो इसमें होगा, अभी मैंने काफ़ी डिस्कस कर लिया, 0.5 आ जाएगा इस वजह से, इसमें भी होंगे, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें 0.4 आएंगे, तो विदाउट NN बॉन्ड वाला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी होंगे 0.67 आ रहा है। तो यू कैन सी कि N बाई O रेशियो ये तो कोई भी निकाल सकता है, और इससे ये तीन क्वेश्चन एक 2023 में आया हुआ था, एक 22 में, एक 21 में, 1 सितंबर को शिफ्ट 2 में, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकता हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द सेट डैट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड, तो इसका मैंने आपको ट्रिक दिया था CNNO, C के साथ O लगाओगे तो CO, N के साथ O लगाओगे तो NO, और फिर ये दो बार N है तो उसके साथ लगाओगे तो N2O, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। तो आप देख सकते हो इस केस में ऑप्शन ए हो जाएगा, और इजीली वो ट्रिक्स हो जाएंगे। ये 21 में 17 मार्च को शिफ्ट 2 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ NO विथ N2O4 एट 250 केल्विन, तो ये ज्ञान की बात में मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 4 के बीच में आता है 3, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ब्लू कलर वाला आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलेंगे। ये 2020 में 6 सितंबर को शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हो उस ट्रिक से कैसे इजली हो रहे हैं। फिर एक और क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे +1 होंगे, यहाँ पे +4 होगा, यहाँ पे +3 होगा,
तो सबसे ज़्यादा किसका है, NO2 का, फिर N2O3 का, फिर NO का, और लास्ट में N2O का, ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ये 2019 में 19 अप्रैल को शिफ्ट वन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि N2O3, N2O4 और N2O5 में किस में NN बॉन्ड है, तो अगेन आप देख सकते हो इसमें रेशियो जब निकालोगे नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन का तो 0.67, तो इसमें हो जाएगा, इसमें 0.5, तो इसमें भी हो जाएंगे, बट इसमें 0.4 विच इज़ लेस देन 0.5, तो इसमें नहीं होगा, तो दो ऑप्शन हो जाएंगे N2O3 एंड N2O4। तो देखो ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, आपको मैं ये गारंटी देना चाह रहा हूँ, ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि सच में उस ट्रिक से इजीली प्रॉब्लम हो रहे हैं और उस ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो सबका कंसेप्ट एक ही है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। आप देख सकते हो सब में वही चीज़ घुमा फिरा के बातें आएंगी, बट कंसेप्ट इज़ सिमिलर और क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका होगा वो अलग होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो हाइड्राइड हैं 15, 16, 17 ग्रुप के, उसके ट्रेंड्स को कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करूँगा, फिर उस पर बेस जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको डिस्कस करेंगे।